दोस्तों, हरियाली और ठंडी हवा के बीच हर कोई कुछ सुकून भरा पल बिताना पसंद करता है, क्योंकि प्रकृति मन को तरोताजा करती है और साथ में हमारे सभी तनावों को दूर करने में भी काफी मदद करती है। उत्तराखंड में एक ऐसी ही जगह है जिसका नाम है हर्षिल, और यहाँ रिसेंट में मैंने ट्रैवल भी किया। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप हर्षिल कैसे पहुंच सकते हैं, वहां आप क्या करेंगे, कितने दिन का आप टूर प्लान बना सकते हैं और क्या क्या खर्चा आपका आ सकता है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड बटन दबा के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी हर ट्रैवल वीडियो तुरंत मिलती रहे। और कमेंट जरूर करा करिए दोस्तों, आपका एक कमेंट जो है काफी मोटिवेट करता है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, उसमें फीडबैक मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पूरा देखिएगा। हर्षिल एक खूबसूरत छोटा सा हिल स्टेशन है जो उत्तराखंड जिला उत्तरकाशी में स्थित है और उत्तरकाशी से अराउंड 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर्षिल गंगोत्री मार्ग पर पड़ता है, जहाँ पर भागीरथी नदी अपने शांत रूप में बहकर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हर्षिल में चारों ओर आपको देवदार के वृक्ष तथा सेब के पेड़ ही देखने को मिलेंगे, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप हर्षिल में क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ हर्षिल की कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। गंगोत्री धाम, जी हाँ, हर्षिल के पास सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिसका हर्षिल से दूरी करीब 26 किलोमीटर की है। अगर आप हर्षिल जा रहे हैं और चार धाम यात्रा ओपन है तो आप गंगोत्री धाम जरूर जाएं। यहाँ जाने के लिए आपको हर्षिल से शेयरिंग जीप मिल जाती है, जिसका किराया करीब 100 रुपए होता है। वहीं आप पूरी जीप भी बुक करके जा सकते हैं, जो 2000 रुपए अप डाउन का लेती है। गंगोत्री धाम के कपाट मई से अक्टूबर के बीच में खोले जाते हैं, जिस दौरान लाखों श्रद्धालु वहां गंगोत्री धाम के दर्शन करने पहुंचते हैं। मुखबा गांव, मुखबा गांव हर्षिल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा खूबसूरत गाँव है, जहाँ से प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। यह गांव माँ गंगा का घर माना जाता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने हेतु आते हैं। ठंड के मौसम में बर्फबारी के दौरान जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद माँ गंगा की मूर्ति को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ मुखबा गाँव में ही लेकर आते हैं। यहाँ आप वॉक करते हुए नेचर का आनंद लेते हुए हर्षिल से मुखबा गाँव पहुँच सकते हैं। अगला है धराली विलेज। धराली गांव हर्षिल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हर्षिल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां से प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को भी साफ रूप से देखा जा सकता है। धराली में सेब, राजमा और लाल सेम के कई सारे बगीचे, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। जब आप मुखबा जाएं तो धराली वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो यहां जाना ना भूलें। अगला है बगोरी गांव। हर्षिल में इस गांव को सेब का भंडार कहा जाता है। यहां आपको हर तरफ सेब ही सेब के खेत दिखाई देंगे। अगर आपको सेब के बगीचों में घूमने के साथ साथ मीठे सेब का आनंद लेना है तो बगोरी जरूर जाएं। यहाँ से आप कुछ हैंडमेड वूलन प्रोडक्ट जैसे कैप, मफलर इत्यादि की शॉपिंग भी कर सकते हैं। बगोरी में भी हर्षिल से वॉक करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा हर्षिल में आप वाइल्ड लाइफ का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क, वन्य जीव प्रेमी के भ्रमण हेतु प्रमुख जगह है। इसके अलावा गरतांग गली भी आप जा सकते हैं। रिसेंट में ओपन हुई गरतांग गली भी आप जाना ना भूलें। यहाँ आप गंगोत्री जाते हुए जा सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत जगह है ये। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी एंट्री फी 150 रुपए है और एंट्री गेट से करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आप गरतांग गली पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हर्षिल इतना खूबसूरत है कि आप जहाँ चाहे वहाँ चले जाए, आपको आनंद ही मिलेगा। आप यहाँ ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, यहाँ ट्रैकिंग के काफी सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। फोटोग्राफर्स के लिए भी हर्षिल किसी जन्नत से कम नहीं है। फिर भी यह कुछ फेमस स्पॉट्स थे जो मैंने आपको बताए। इन सब जगहों पर घूमने के लिए आपको 3 दिन चाहिए, जो आप आराम से हर्षिल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप हर्षिल कैसे पहुंच सकते हैं। हर्षिल गांव सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो अपने वाहन से भी हर्षिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं
जैसे कि मैं दिल्ली से गया था तो आपको हरिद्वार पहुंचना होगा, हरिद्वार से आपको उत्तरकाशी पहुंचना होगा, और उत्तरकाशी से आपको हर्षिल के लिए आसानी से शेयरिंग जीप मिल जाती है जिसका किराया करीब 200 रुपए पड़ता है और 2 से 2.5 घंटे में आपको हर्षिल पहुंचा देती है। उत्तरकाशी आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस से आराम से पहुंच सकते हैं जिसका किराया करीब 300 रुपए रहता है। अगर बात करूं हर्षिल कब जाएं, हर्षिल आप साल में किसी भी मौसम में जा सकते हैं। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना बना रहता है। गर्मियों के सीजन में भी यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, हालांकि ठंड के मौसम में यहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है तथा यहाँ का तापमान भी 0 के नीचे चला जाता है, जिस कारण सर्दियों में मौसम में पर्यटकों को काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको मार्च से अक्टूबर व नवंबर तक जाना चाहिए, उस समय यहाँ का मौसम काफी अधिक खुशनुमा और चारों तरफ हरियाली से भरा होता है। हर्षिल यात्रा के दौरान आप कहाँ रुके? हर्षिल में कई होटल, होम स्टे, लॉन्ज एवं कॉटेजेस हैं जहाँ आप हर्षिल भ्रमण के दौरान रुक सकते हैं। यह होटल आपको हर किस्म की सुविधा प्रदान करते हैं तथा इन होटल में रुककर आप अपने घर में रहने जैसा अनुभव कर सकते हैं। मैं जब गया था तो सुंदर होम स्टे में एक दिन के लिए रुका था जो मुझे 1600 रुपए पर पर्सन पड़ा था। इसमें आपको 3 टाइम्स का मील और स्नैक्स टी मिल जाता है। सेकंड डे में नेगी गेस्ट हाउस रहा जो कि एक बजट स्टे था और मुझे 500 रुपए पर डे पड़ा था। ये रेट थोड़ा ऊपर नीचे सीजन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, बट आपको वहाँ मोस्टली 500 से स्टार्टिंग रूम मिल जाता है। खाना आपको वहाँ ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, वहाँ कुछ लोकल रेस्टोरेंट है जहाँ आप बढ़िया खाना सही रेट पर खा सकते हैं। हर्षिल का मेरा पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो लिंक उसका भी आई बटन में मिल जाएगा, आपको वहां से फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर दिल्ली से एक एस्टीमेट खर्चे की बात करूं तो करीब 800 रुपए में आप दिल्ली से हर्षिल पहुंच जाते हैं। रहने के लिए आपका खर्चा फिर से डिपेंड करेगा कि आप कैसा स्टे चाहते हैं, फिर भी एक अच्छा रूम आपको 800 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 400 रुपए पर हेड रूम पड़ जाएगा शेयरिंग बेसिस पर। खाना पीना भी अराउंड 400 से 500 रुपए डेली का लेके चलिए। सो इस हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो आना जाना दिल्ली से और हर्षिल से दिल्ली तक का करीब आपको टोटल खर्चा 3 दिन का 4000 रुपए के आसपास पड़ेगा, जिसमें मैंने अभी आपका गंगोत्री धाम इंक्लूड नहीं करा है। अगर आप गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो शेयरिंग जीप या फिर हर्षिल से ही आपको 2000 रुपए में, जैसा मैंने बताया, आपको जीप मिल जाएगी अप डाउन, वो आप ले सकते हैं और वो खर्चा भी इसमें जोड़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये हर्षिल की इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं, और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई लोकेशन नई जानकारी के साथ। तो तब के लिए अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।